हेलो गाइस, आज हरियाणा क्लर्क में मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि आज 22 सितंबर है, मॉर्निंग शिफ्ट में आज जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था द रोबर्स डैश द डिफेंसलेस लेवरर्स। इसका मतलब है, जो रोबर्स का मतलब होता है वो होता है लुटेरे। लुटोर ने आपके जो डिफेंसलेस होता है, डिफेंसलेस का मतलब होता है आपके पास असुरक्षित। जो असुरक्षित यात्रा करने वाले थे उनको क्या किया, लुटोर ने असुरक्षित यात्रा करने वालों के साथ क्या किया। अब आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास सेट अपॉन, दूसरा है मेक आउट, तीसरा है सेट ऑफ, चौथा है सेट आउट। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सेट अपॉन का मतलब होता है आपके पास हमला कर देना, ठीक है, उन पर टूट पड़ना। तो लुटेरे क्या करेंगे, उन पर टूट ही पड़ेंगे। मेकआउट का मतलब होता है आपके पास कोई प्लान बनाना, कोई समझौता करना, ठीक है दोस्तों, कोई प्लान बनाना, बट ऐसा नहीं होता। लुटेरे का काम होता है सेट पॉन यानी कि उन पर टूट पड़ना। तो ऑप्शन ए आपका एग्जैक्ट आंसर यहां पर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आया था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दे प्लेड क्रिकेट, दूसरा है दे प्ले क्रिकेट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपके पास दे है, और पहली फॉर्म वर्ब की क्या है, प्ले है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, दे प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट वे क्रिकेट खेलते हैं। तो प्रेजेंट आपका ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ही हैज नेदर अटेंडेड द मीटिंग डैश हैज ही सेंट ए मैसेज। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपका नेदर आ जाए दोस्तों, ठीक है, नेदर आ जाए, तो नेदर की रिप्लेसमेंट, नेदर को चेंज करते हैं आपके पास नोर। तो नोर यानी कि ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर यहां पे एदर आता है तो एदर को रिप्लेस करते हैं आपके पास और दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। आपको इनमें से एरर फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। पहला ऑप्शन आपको देकर रखा है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। पहला है ड्यू टू आवर ओन एक्शंस, दूसरा है इज लार्जली, तीसरा है नो एरर, और चौथा है आपके पास आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो। अब आप देखना है सेंटेंस को, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज, ये तो आपको यहां तक सही है, इज लार्जली ये भी आपके पास सही है, क्योंकि यहां पे आपके पास आया है आवर हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस है, और आवर सोरो, तो सोरो है नाउन है कोई भी है, तो उसके बाद आपका इज एम आर आ सकता है, तो यहां पे इज लगाया है ना, तो ये आपका सही है, तो यहां तो कोई एरर नहीं है। ड्यू टू आवर ओन एक्शन, हमारे एक्शन की वजह से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है। आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है दोस्तों, आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है, रूल का रट्टा बिल्कुल नहीं मारना इंग्लिश में, बिल्कुल सेंस देखनी है आपको क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, यही थे इंग्लिश के क्वेश्चंस, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आए, इसी तरह के क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।